असलम मैं हूँ आपका दोस्त उमर और काफ़ी दिनों से हमारी जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी हम नई वीडियोस अपलोड नहीं कर सकें तो अब हम जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जब तक इंटरव्यूज़ नहीं होते इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जितने ही ऑलरेडी आस्क क्वेश्चन हैं इंटरव्यू पैनल से उनके क्वेश्चन तो आपको बहुत सी जगह से मिल जाएंगे अब यहाँ पे क्वेश्चन के साथ हम इन जो है वो आंसर भी डिस्कस करेंगे नो no डाउट ये आंसर जो है वो उस तरह थेटिक नहीं है ये हर सिचुएशन टू सिचुएशन और हर पर्सन टू पर्सन वेरे भी कर सकते हैं लेकिन ये एक अच्छा कंटेंट जो है आपको इन आंसर में मिल जाएगा जो कि आपको अपने नोट्स में भी आसानी करेगा और अगर आपने अपने पर्सनल नोट्स नहीं बनाए तो जस्ट आप इन्हीं को फॉलो करके ही अपने जो है वो इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर एजुकेशनल फिलासफीज़ एजुकेशनल फिलासफीज़ क्या हैं एंड एजुकेशनल फ़िलासफी इज़ सेट ऑफ एजुकेशनल बिलीफ ये तो हमें पता है कि एजुकेशनल फ़िलासफी जो है वो सेट ऑफ बिलीफ़ है एंड कोर वैल्यूज ऑफ अ पर्सन किसी भी पर्सन की कोर वैल्यूज़ हैं Okay. Educational philosophy is a set of beliefs and a core values of a person or of an organization. It focuses on the purpose and objective of educational planning, program and process when it comes to teaching and inspiring students to learn. There are five philosophies of education that focus on teachers and student essentialism, panalism, progressivism, social constructionism and existentialism. ठीक है आप इसको ये कोई नहीं इतना लॉन्ग नहीं है तो कोशिश करें कि सारे को जो है वो मेमोराइज कर लें कि एजुकेशन फिलासफी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव एंड कोर वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट एंड इट वर्क फोकस ऑन द प्लानिंग प्रोग्राम एंड प्रोसेस ऑफ द टीचिंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट टू लर्न एंड देर आर फाइव फिलासफीज़ प्रोग्रेसिज्म पैनलिज्मली कंस्ट्रक्शनशम सेकेंड है डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोल के करते हैं जब हम बोल रहे होते हैं बोल के बात कर रहे होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल जो हम बोल के नहीं जब हम इशारों के साथ सिग्नल पोस्चर गेस्टर यानी अपने चेहरे के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने हाथों के साथ अपने इशारों के साथ जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो होती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ यूजिंग स्पीच आर स्पोकन वर्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन Emotions and thoughts. When we speak uh, with speech, by spoken words, by uh, speech, uh, or we exchange information uh, through speech and this is called a verbal communication and non-verbal communication when we uh, don't utter uh, just uh, communicate by the, uh, giving signal by receiving and transferring information for example facial expression gesture posture body language eye contact etc conversely non-verbal communication is conveying and exchanging message without the use of spoken word थर्ड क्वेश्चन है वाई यू वॉन्ट टू बी अ टीचर कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं आप इसके ऊपर बहुत सी बातें लिख सकते हैं हर शख्स की डिफरेंट जो आप जब अपना इंटरेस्ट एरिया बताते हैं उसके मुताबिक भी आप बात कर सकते हैं बट एज आई एम जो मैं लिखने जा जा रहा हूँ आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर बिकॉज आई हैव स्ट्रॉग सॉफ्ट स्किल विद हार्ड स्किल्स यहाँ आपको ये भी बताओ कि सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल क्या होती हैं आई लव दिस सब्जेक्ट एंड कंसिडर माई सेल्फ एलिजिबल टू ट्रांसफर नॉलेज इन द नेक्स्ट जनरेशन टीचिंग इज माई पैशन एंड आई कैन मेक अंडरस्टैंड माई थाट्स टू दंग जनरेशन वेरी वेल वट आर डिफरेंट बिटवीन सोलो एंड ब्लूम टक्सानों में देखिए बलूम एंड सोलो टेक्सानोमीज के आंसर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से भी दे सकते हैं कि आपको पता है कि बलूम टेक्सानोमी जो है वो हैव बलूम टक्सानोमी हैव है, थ्री डोमेन्स कागनेटिव फैक्टर्म साइकोमोटर एंड दिस डोमेन फॉर स्टूडेंट लर्निंग एरियाज को ये देखती है वेर आज जो सोलो टक्सानोमी अब लड़ना है फाइव लेवल और ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखती है यानी स्टूडेंट uh, ने कितनी परफॉर्मेंस कितना अचीव कर लिया है यानी वो परी पी है यूनी पी है मल्टी पी है एब्स्ट्रैक्ट भी है रैशनल भी है जब भी हम इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं सोलो के बच स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कि उसने कितना अचीव कर लिया है उसकी परफॉर्मेंस क्या है जब हम ये बलूम टक्सानोमी में, में हम ये देख रहे होते हैं कि वो उसके कौन कौन से एरियाज़ हैं कि लर्नर किस किस तरीके से लर्न कर रहा है वो जब कंक्रेक्टिव इन थाट्स इंटलेक्चुअल के साथ जब एफक्टिव uh, के आएगा तो इमोशन एटीट्यूड और जब हम कने में आएंगे साइकोमोटर में आएंगे तो उसके हम कहेंगे कि उसकी जो जो फिजिकल पार्ट्स के साथ वो लर्न कर रहा है वो वाला तो वो आंसर भी दे सकते हैं उसको मैंने आगे यही इसका आंसर अगले भी दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आप ये वाला लिखना चाहें तो ये भी बेस्ट है कि वलूम टेक्सानोमी इज़ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यू टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन रिकॉगनीशन इंसान के दिमाग के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको जो है ये देखता है जो थिंकिंग लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इट इज़ अ ट्रेडिशनल टेक्सानोमी डेट फोकस ऑन नॉलेज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन

फिलासफी इन द ब्रॉडर सेंस हम फिलासफी को उसको कह सकते हैं जैसे जब हम सच की तलाश कर रहे होते हैं सच की तलाश के दौरान हमारा एक अपना नजरिया बनता है वो नजरिया हमारा फलासफी होता है फलासफी का मतलब यह भी नहीं है कि जस्ट फ़िलासफी यही आइडियलिज्म आइडियलिजम पर फिलासफी वहाँ का एक थाट आपका नजरिया आपका ख्याल वो एक फ़िलासफ़ी है तो वो कह सकते हैं इन द ब्रॉडर सेंस फिलासफी इज एन एक्टिविटी पीपल अंडरटेक वन दे सीक टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ट्रोथ अबाउट दमसेल्व यानी जब फिलासफी इन द ब्रॉडस्ट सेंस हम कह सकते हैं कि फ़िलासफी एक्टिविटी पीपल इनटेक पीपल फिलासफ़ी तब वो इनटेक करते हैं कि जब वो मैन सी सीक टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ट्रोथ जब वो सच्चाई की तलाश में जाते हैं अबाउट द वर्ल्ड इन विच दे लिव द रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर यानी जब वो सच सच्चाई की तलाश में जाते हैं चाहे वो अपने बारे में हो चाहे वो दुनिया के बारे में हो तो उस दौरान जो उन्हें जो उनका एक नजरिया बिल्ट होता है उसे हम फिलासफ़ी कहते हैं फिलासफ डिफाइन फ़िलासफी इन योर ऑन वर्ड्स तो पहले आप इसके बताते हुए पहले तो आप ये बता सकते हैं कि फिलासफिया है ग्रीक वर्ड फिल सोफ़ी सोफिया ड्राइव फ्राम ग्रीक वर्ड फिल सोफिया एंड इट मीन लव ऑफ विजडम फिर उसके बाद आप वही पिछली बात कर सकते हैं कि इन द ब्रॉड सेंस फिलासफी इज एन एक्टिविटी पीपल इन टेक वेन दे सी टू अंडरस्टैंडल्स एंड फंडामेंटल ट्रोथ द वर्ल्ड इन विच दे लिव द रिलेशनशिप एंड टू द वर्ल्ड एंड टू अदर वट आर ब्रांचिज ऑफ़ फ़िलासफी देर आर थ्री ब्रांचेज ऑफ फ़िलासफी ऑनटोलॉजी एग्जियालॉजी एंड अपेस्टमोलॉजी नेक्स्ट वट इज ऑनटोलॉजी ऑनटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ़ फिलासफी डेट स्टडी कन्सेप्ट एग्जिसटेंस बींग बिकमिंग एंड रियल्टी यानी ऑनटोलॉजी जो है वो फ़िलासफी हमें बताएगी कि क्या चीज़ एक्जिस्ट करती है क्या नहीं किस कंसेप्ट एग्जस्टेंस बिलोंगिंग बींग बिकमिंग एंड रियलिटी या ओंटॉलोजी रेफर टू एज साइंस ऑफ बींग एंड बिलोंग टू द मेजर ब्रांच ऑफ फिलसफी नॉन एज मेटाफिजिक्स इट आज क्वेश्चन अबाउट एग्जिसटेंस किसी भी चीज़ के वजूद के मुतिक जो सवाल करती है वो करती है एग्जिसटेंस रियलिटी के मुतिक वो ओंटॉलोजी करती है नाइन है वट इज़ द रिलेशनश बिटवीन फ़िलासफी एंड एजुकेशन एजुकेशन और फिलासफी के आपस में क्या रिलेशन है तो कहेंगे कि जो एजुकेशन इज एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल आप ये कह सकते हैं कि फ़िलासफी जो है वो एम्स ऑब्जेक्टिव गोल्स जो है वो एजुकेशन फ़िलासफी से लेती हैं और विदाउट फिलासफी जो है वो एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो उनको सेट नहीं किया जा सकता यानी एजुकेशन इज द फिलासफी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ़िलासफी फ़िलासफी गिव आइडियल फिलासियों में आइडियल देती है वैल्यूज़ देती है हमें प्रिंसिपल देती है एजुकेशन वर्क आउट दीज आइडियज यानी एजुकेशन फीस के ऊपर फलासफियों हमें आइडियज वैल्यूज़ और प्रिंसिपल देती है और एजुकेशन इसके ऊपर काम करती है और एजुकेशन विदाउट फिलासफी लाइक अ टूरिस्ट और एजुकेशन फ़िलासफी के लिहाज अलावा ऐसा है कि जैसे एक टूरिस्ट जो है वो किसी जगह जाना चाहता है लेकिन वो पता नहीं कोई जगह कैसे तलाश करे और कैसे जाए यानी एजुकेशन हमें एम्स गोल ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं वट इज़ देश इस्लामिक फलासफी इस्लामिक फिलासफी क्या कहती है इस्लामिक फिलासफी जो है वो कहती है कि बिलीव ऑन अलमाटी अल्लाह

देखिए कॉग्निटिव डोमेन क्या होती है कॉग्निटिव डोमेन में ये होता है कि जिसमें हम इंटेलेक्चुअल और अपने जो है नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल को रिलेटेड जो होता है उसे कॉग्निटिव कहते हैं और वो डोमेन जो इमोशनल एटीट्यूड इंगेजमेंट को डील करती है उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन पहलो है व्हाट इज साइकोमोटर डोमेन साइकोमोटर डोमेन क्या है बलोम टक्सानोमी साइकोमोटर डोमेन द साइकोमोटर डोम आप इसके मुताबिक भी दो आंसर दे सकते हैं एक तो साइकोमोटर डोमेन इट्स डोमेन ऑफ बलोम टक्सानोमी एंड इट कवर सेवन एरियाज सेवन पास्टुलेट जो इसके हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वो परसेप्शन सेट गाइडेड रिस्पॉन्स मेकनिज़म कम्प्लेक्स अवट रिस्पांस अडोप्टेसन इस तरह ये इनके जो सेवन पॉइंट्स हैं आप वो बता सकते हैं या साइको मोटर डोमेन द डोमेन इंक्लूड यानी वो डोमेन है जो फिजिकल मूवमेंट कोऑर्डिनेशन एंड यूज़ ऑफ मोटर यदि आप स्किल्स को स्किल uh, को यूज़ करते हैं उसके मतलब बात करती है यानी मोटर स्किल्स का कोआर्डीशन और उसके मुलक जो बात करती है प्रैक्टिस के मतलब जो बात करती है उसे हम कहते हैं साइको डोमेन नेक्स्ट वट इज़ करिकुलम अब करिकुलम इज ड्राइव फॉम लेटन वर्ड कॉरर विच मीन रन वे एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कार्ड इट चा यूट रेस मेट मीन कोर्स ऑफ स्टडी और इस तरह फिर अगर आप अगर वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि डिफाइन कधी कोलम इन यूर ऑन वर्ड्स तो आप कह सकते हैं कि कधिकुलम इज द कलेक्शन कलेक्शन ऑफ प्लान अन प्लान एक्टिविटीज एंड आर्डर टू सेट फॉर द स्टूडेंट टू अचीव अ गोल टू अचीव अ सर्टन ऑब्जेक्टिव ये बात कर सकते हैं आप अच्छा हैव

थ्योरी में ही गिव अ कंसेप्ट ऑफ री इनफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव री इनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का कंसेप्ट दिया और ये थ्योरी जो है वो आर एस एफ रिस्पॉन्स फर्स्ट एंड और स्टिमुलस आफ्टर और इसको अभी भी कह सकते हैं कि गेव अ प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी इसकी थ्योरी को प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है और ये वाली थ्योरी एक्टिव थ्योरी भी है जबकि क्लासिकल थ्योरी जो है वो पैसिव थ्योरी है ठीक है दैट डॉट बिहेवियर डिटरमाइंड बाय इट्स कंसिक्वेंस तो जो बिहेवियर है वो कंसिकुनस से डिटरमाइन किया जाता है और री इन्फोर्समेंट या पनिशमेंट से बिहेवियर में इजाफ़ा किया जा सकता है या बिहेवियर को डिक्रीज़ किया जा सकता है तो ये बातें आप कर देंगे इसके ऊपर ये काफ़ी रहेंगी नेक्स्ट है व्हाट इज़ चार्लिस ग्रांट ये चार्लिस ग्रांट कौन था तो ये जो चालिस uh, ग्रांट वो uh, आप इसको ये कह सालीस ग्रांट वाज ब्रिटिश ब्रिटिश पोल्टिकल एंड हुव अ स्ट्रॉग इंफ्लुएंस इन द इंडियन एजुकेशन पॉलिसी ही गिव चार्ट एक्ट इन एटीन थर्टीन एंड के दे गिवि उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो इंडियन के एजुकेशन सिस्टम को तस्लीम करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वन लाख डॉलर जो है वो पाउंड जो है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेंगे और ये जो है ना इसने यहाँ पे आके जो क्रिशनेलिटी है उसको प्रमोट किया था और क्रिश्चियन उसका मिशन था इंडिया के अंदर सिक्सटीन है व्हाट आर चैलेंजेस ऑफ एस एन सी आपसे पूछ सकते हैं कि चैलेंज इस का को मतलब ये डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं या उसको प्रॉब्लम्स क्या हैं तो इसको आप ये कह सकते हैं कि जो एस एन सी है इज़ अ सिंगल नेशनल करिकुलम पहले आप ये कह सकते हैं कि नो डाउट दिस इज गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट सिंगल नेशनल करिकुलम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू आल स्टूडेंट्स इक्विटी इन द सोसाइटी इट रिमूव डेडिकेट द गैप्स ऑफ क्लास लेवल इन आवर सोसाइटी इट इज़ अ फ्लैक्सीबल फिर आप उसके जो चैलेंजेस हैं उसमें बता सकते हैं कि एस एन सी इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ऑल द एक्टिविटीज इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव ऑल द एक्टिविटीज़ इन द क्लास रूम टीचर्स आर ट्रेंड ऑनलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेंड ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड द लाइव ट्रेनिंग देर इज़ अ लेक ऑफ ट्रेनिंग क्वालिटीज still not guides of snc provided to the teachers so teachers don't know how to perform activities of uh, that books or there's still language barrier in the uh, course uh, about uh, class 3 to on all the science subject are in english and the uh, students have not level of understanding english as much as it is given uh, syllabus is very tough for the student who are uh, who are basic is weak and they may are not known about the english uh, this is impossible for them to read for example the class one uh, objective is to read and write uh, to read english and to to be capable to read english and uh, uh, urdu but uh, class it is impossible to the student of class one read english and urdu uh, uh, completely snc ignored the rural issue it focused on the urban issue this is also a challenge of snc the 17 adaptive resource management रिसोर्स बेसिकली होता है रिसोर्स मैनेजमेंट इज द वे ऑफ हैंडलिंग थिंग टू टैकलिंग थिंग टू पर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे ऑफ यूजिंग रिसोर्स अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब राइट थिंग फॉर द राइट प्लेस राइट थिंग फॉर द राइट प्लेस दिस रिसोर्स में भी फिनशियल रिसोर्सेज इन्वेंट्री ह्यूमन स्किल प्रोडक्शन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वट फैक्टर इन्फ्लुएंस वैलिडिटी कौन से फैक्टर्स हैं वैलिडिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं तो बेसिकली वैलिडिटी इज कंसर्न विद व्हाट वी इंटेंड टू मेजर व्हाट वी वांट टू व्हाट वी सपोज टू मेजर एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द वैलिडिटी लाइक द एज लाइक सेक्स लाइक एबिलिटी लेवल लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड कल्चर बैकग्राउंड व्हिच इन्फ्लुएंस टेस्ट मेजर यानी जब हम वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं तो उस टेस्ट को मेजर करने के लिए जो हमारी चीज़ें होते हैं अगर हमने वो पॉपुलेशन यूज़ की है तो पॉपुलेशन अगर वो ना हो यानी इंस्ट्रूमेंट यानी जो हमारा टूल है पॉपुलेशन वो ना हो जो हमें चाहिए और इसी तरह अगर वो जेंडर वो ना हो इस तरह अगर उसके अंदर शख्स के अंदर एबिलिटी हो क्वेश्चन समझने की या बैकग्राउंड लेवल या कल्चरल बैकग्राउंड ये सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं वैलिडिटी को वट इज मीट बाई ट्रेंड लीडरशिप ट्रेंड लीडरशिप किसे कहते हैं तो पहले आप ये कहेंगे कि ट्रेंड लीडरशिप द लीडरशिप विच इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टेंडिंग द पर्सन एंड दे हैव कैपेबिलिटी टू लीड पर्सन एंड आल्सो हैव कैपेबिलिटी टू लीड द पीपल हु आर इन इन लीडरशिप यानी वो लीडरशिप वो होते हैं कि जिनके अंदर हाई पोटेंशियल होता है इंडिविजुअल हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल जो दे लाइकली टू बिकम लीडर्स वो लीडर बन सकते हैं और उनमें एक्सटेंड उनकी इतनी कैपेबिलिटी कैपेबलिटीज नॉलेज हैं कि वो जो ऑलरेडी लीडर्स हैं उनको लीड भी कर सकते हैं और लीडर में नीड ट्रेनिंग एंड वो लीडर तो के पास सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स होने चाहिए उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चैलेंजेस के अकॉर्डिंग आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीट बाय ई क्यों यानी ई क्यों को इमोशनल क्वेश्चन भी कहते हैं तो ई क्यों कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं द एबिलिटी टू तो अंडरस्टैंड अदर टू एम्पथाइज अदर टू मैनेज ऑन अ पॉजिटिव वे कम्युनिकेट इफेक्टिवली ओवरकम चैलेंजेस एंड डिफ्यूज कन्फ्लिक्ट यानी इमोशनल क्वेश्चन एक ऐसी एबिलिटी है एक पर्सन की कि जिसके एक जरिए ही कैन कंट्रोल हिज इमोशंस हिज फीलिंग्स ही कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर ही कैन एम्पथाइज अदर फीलिंग्स ही कैन कम्युनिकेट बेटर ही कैन रिजॉल्व कन्फ्लिक्स ही कैन अंडरस्टैंडिविटी ऑफ इशू तो ऐसा शख्स होता है वो इमोशनल क्वेश्चन uh, होता है ये थे हमारे ट्वेंटी क्वेश्चन मैंने कोशिश की आपको समझा भी दूँ और आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया है आप इसको अपने लिख के अपने नोट्स तैयार कर लें और यही इन्ही को जो है वो एक किस्म का रट्टा लगा लें ताकि अगर इन्हीं में से यह वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछे गए हैं और uh, इन्हीं में से ही तकरीबन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा जजाक الله <applause> خير.